इस वीडियो में आज हम आप लोग से बात करेंगे पिछले आरआरबी एग्जाम में टाइम एंड डिस्टेंस से जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था उसी से आज हम आप लोग को पांच क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। और किसी एक फ्रेंड जिसका नाम सीतम जी ने, उसने टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन को इस वीडियो का लास्ट में आप लोग को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो हाय फ्रेंड, मैं जाहिर, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए स्पीड ऑफ 30.6 किमी पर आवर इज द सेम एज, इधर दिया है ऑप्शन चार, ऑप्शन 5.1 मीटर पर सेकेंड, 8.5 मीटर पर सेकेंड, 110.16 मीटर पर सेकेंड। इसमें से किसके साथ ये इक्वल स्पीड है? ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी 2008 में पूछा गया था। तो दोस्तों 30.6 किमी पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 30.6 को मल्टीप्लाई करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। किस लिए मल्टीप्लाई करना है दोस्तों? देखिए, हम लोग किमी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे? हजार से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और आवर को सेकेंड में घंटा को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले 60 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 60 मतलब पहले मिनट में करेंगे उसके बाद सेकेंड, इसलिए इसको हम लोग काटेंगे, उसके बाद 5/18 आता है, इसलिए इससे हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा मीटर पर सेकेंड, तो दोस्तों चलिए इसको करते हैं। देखिए, इससे 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा 153.0। तो 0.0 नहीं लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, अपन 18। उसके बाद इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 18 से, तो इसका रिजल्ट आएगा 8.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर। इसका मतलब ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर दोस्तों। ये है पहला क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। आप जो देखना है आज के लिए दूसरा क्वेश्चन, उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। इधर बोला गया, ए मोटराइज ट्रेवल बिटवीन टू टाउन व्हिच आर 65 किमी अपार्ट इन 2 hours and 10 minutes, फाइंड द स्पीड इन मीटर पर मिनट। इधर बोला गया एक मोटर आ रही जो दो टाउन में ट्रैवल करता है जिसका डिस्टेंस है 65 किमी और उसमें टाइम लेता है 2 hours मतलब 2 hours 10 minutes, उसका स्पीड मीटर पर मिनट में निकालने के लिए बोला। ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी 2006 में पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों हम लोग सब मीटर पर मिनट में करने के लिए हम लोग देखिए 65 किमी इसका डिस्टेंस है, 65 किमी डिस्टेंस को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हजार से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 65,000 meters। ये है डिस्टेंस, और देखना है 2 hours and 10 minutes, आवर्स और मिनट को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे आवर को। तो दोस्तों देखिए 2 into 60 होगा, इसलिए होगा 60 मिनट में 1 hour होता है, उससे क्या होगा 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 130 मिनट। इतना 130 मिनट में 65,000 meters डिस्टेंस वो जाता है बाइक से। तो इसको देखिए सीधा इससे इसको डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा जो आएगा वही होगा आंसर 65,000 upon 1300 इसका मतलब 500 meters per minute उस मोटोराइज का जो एवर स्पीड है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर, ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर दोस्तों। तो
दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व हो गया, अब जो देखना है आज के लिए तीसरा क्वेश्चन उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। इधर बोला गया ए ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 4:10 PM, इधर बोला गया 4:10 में दिल्ली से एक ट्रेन रवाना हुआ एंड रीच अलीगढ़ एट 7:25 PM और अलीगढ़ पहुंचा 7:25 में, अलीगढ़ पहुंचा शाम। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन 40 किमी पर आवर, उस ट्रेन का एवरेज जो गति है वो है 40 किमी प्रति घंटा में। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू अलीगढ़, दिल्ली से अलीगढ़ का डिस्टेंस क्या है यही पूछा दोस्तों। ये क्वेश्चन RRB 2006 में पूछा गया, इसका 4 ऑप्शन है, जो सही होगा वो आप लोग को बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दिल्ली से अलीगढ़ जाने में उस ट्रेन कितना टाइम लेता है, तो इस टाइम से इसको माइनस करेंगे तो होगा देखिए 15 मिनट और 3 आवर्स एंड 15 मिनट वो टाइम लेता है। मिनट को भी आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या होगा 60 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 3 upon 4, इसलिए देखिए 60 से डिवाइड करेंगे तो इधर 4 आ जाएगा और उधर ऊपर में 1 रह जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13/4 आवर्स। ये क्या है 13/4 आवर्स टाइम लेता है वो दिल्ली से अलीगढ़ जाने में और कितना एवरेज स्पीड है 40 किमी, तो सीधा इससे इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा, तो डिस्टेंस होगा 40 × 30/4 कटेगा 10 130 किमी क्या है दिल्ली से अलीगढ़ का डिस्टेंस, ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर। तो दोस्तों हम लोग का तीसरा क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, तो तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, अब जो देखना है आज के लिए चौथा क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों ये है चौथा क्वेश्चन, इसमें बोला गया ए स्टार इज 8.1 × 10^13 किमी अवे फ्रॉम द अर्थ, इधर बोला गया एक स्टार है जो अर्थ से पृथ्वी से 8.1 × 10^13 किमी दूर में है। सपोज लाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 3.0 × 10^5 किमी पर सेकेंड, बोला गया आप लोग मान लीजिए उसका लाइट का गति है 3.0 × 10^5 किमी पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द लाइट फ्रॉम द स्टार टू रीच द अर्थ, उस स्टार से अर्थ में लाइट आने में कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन RRB 2005 में पूछा गया, तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका सिंपल सा, इससे हम लोग डायरेक्ट ये डिवाइड कर देंगे तो इसका लाइट आने का टाइम मिल जाएगा, ये डिस्टेंस है और जाने में टाइम लगता है ये तो आने में, तो सीधा 8.1 × 10^13 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3.0 × 10^5 से। देखिए दोस्तों 3.0 से इसको हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 2.7 और देखिए इससे इसको काटेंगे मतलब ये 13 से 5 को माइनस कर देंगे तो इसका रिजल्ट होगा 2.7 × 10^8। ये क्या होगा इसका जो देखिए ये हो जाएगा सेकेंड, ये सेकेंड, इतना सेकेंड टाइम लगता है। तो देखिए ये हो गया हम लोग का आंसर, तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन में, देखिए 2.70 × 10^10 है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसको हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, 2.7 × 10^8 को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 60 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए इसका जो रिजल्ट होगा दोस्तों वो हो जाएगा 7.5 × 10^4 आवर्स, ये हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा।
ये हो गया दोस्तों आंसर, इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। दोस्तों हम लोग का चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो देखना है आज के लिए फिफ्थ क्वेश्चन, यानी टाइम एंड डिस्टेंस से लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट में हम एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का उसको सॉल्व करके आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए इसको भी नंबर फिफ्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करके दिखाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया ए साइकिलिस्ट राइड 24 किमी एट 16 किमी पर आवर एंड फर्दर 36 किमी एट 15 किमी पर आवर फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी। ये क्वेश्चन आरआरबी 2008 में पूछा गया। इस क्वेश्चन में बोला गया एक साइकिल आरोही जो साइकिल राइड करता है पहले 24 किमी जाता है 16 किमी पर आवर गति में, और 36 किमी जाता है 15 किमी पर आवर गति में। उसका जो एवरेज जो स्पीड है टोटल जाने में वही पूछा गया। तो दोस्तों हम लोग पहले देखेंगे टोटल कितना डिस्टेंस वो राइड किया, 24 प्लस 36 हो जाएगा 60 किमी वो टोटल जर्नी किया। अब जो देखेंगे इस 60 किमी जाने में उसका टोटल टाइम कितना लगा वही देखेंगे। टोटल टाइम कितना लगेगा, 24 अपन 16 प्लस 36 अपन 15। देखिए दोस्तों ये आपका कटेगा तो होगा 28 से ये 3, और ये कटेगा आपका 3 से 5 और ये 12, तो इधर हो जाएगा 3 अपन 2 प्लस 12 अपन 5। इसका जो LCM होगा वो होगा 10, उसके बाद इसको हम लोग जोड़ने के बाद इसका आंसर आएगा 39 आवर्स, 39 अपन 10 आवर्स टोटल उसका टाइम लगा। अब जो देखेंगे एवरेज स्पीड कितना है 60 किमी जाने के लिए, 60 इंटू 10 अपन 39 हो जाएगा, उससे डिवाइड हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए हम लोग इसको हम लोग काटेंगे 3 से 13 और ये हो जाएगा 20, 20 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 अपन 13 किमी पर आवर, 13 किमी पर आवर। तो इसको हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 15.38 किमी पर आवर, किमी पर आवर ये हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन ये हो गया राइट आंसर। दोस्तों आज के लिए हम लोग का टाइम एंड डिस्टेंस से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो आप लोग को सॉल्व करके दिखाएंगे जो क्वेश्चन आप लोग ने पूछा है उसी को, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन पूछा है उसी को आप लोग को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन था ए कैन डू ए वर्क 25 डेज। इधर बोला गया ए एक काम को 25 डेज में कंप्लीट करता है एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 35 डेज। बी उसी काम को 35 डेज में कंप्लीट करता है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड बिफोर 7 डेज बी लीव्स। इधर बोला गया दोनों में एक साथ उसी काम को शुरू कर दिया, 7 दिन काम करने के बाद बी चला गया। हाउ मेनी डेज नीड द कंप्लीट द वर्क। बाकी जो काम बचा है वो काम ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सब करेंगे कैसे, देखिए ए बी देखिए 7 दिन तक एक साथ में काम किया, तो हम लोग देखेंगे 7 दिन तक एक साथ में वो कितना काम किया। ए बी 7 दिन तक काम करेगा 7 इंटू ए एक दिन में काम करेगा कितना 1/25 प्लस बी एक दिन में काम करेगा 1/35। तो इसका दोस्तों एलसीएम होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 175 और इससे हम लोग मिल जाएगा हम लोग का 7 प्लस 5 इससे इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7 से ये कटेगा होगा 25 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 अपन 25। इतना काम वो दोनों 7 दिन में एक साथ करेंगे, तो काम कितना बचा है वो देखेंगे
1 minus 12 upon 25 equal to 13 upon 25 इतना काम बचा है। ये काम कौन कंप्लीट करेगा? ए कंप्लीट करेगा। तो ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा? इससे 13 अपॉन 25 को ए का के कितना दिन में करेंगे? 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 कट जाएगा, रह जाएगा 13 डेज। इसका मतलब बाकी जो काम बचेगा उस काम को ए 13 डेज में कंप्लीट करेगा। तो दोस्तों इसका भी आंसर निकल गया। तो हम लोग का आज के वीडियो इतना तक। आप लोग को इससे कोई भी क्वेरी रहेगा तो मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।